इस समय पूरी दुनिया खतरनाक कोरोना वायरस का कहर झेल रही है। तमाम लोग इस महामारी का शिकार हो रहे हैं। वहीं इस बीच अब खबर है कि फेमस हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी वाइफ को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। जी हाँ, ये वही टॉम हैंक्स हैं जो खासकर फॉरेस्ट गंप में अपने रोल को लेकर काफी फेमस हुए थे और उसी आइकॉनिक रोल को अब बॉलीवुड में आमिर खान पोर्ट्रे करने जा रहे हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा में। लेकिन इस वीडियो में हम आमिर खान की नहीं बल्कि टॉम हैंक्स की बात करेंगे। फेमस हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स और उनकी वाइफ रीटा विल्सन को टेस्ट में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। इस बात की इन्फॉर्मेशन खुद टॉम हैंक्स ने सोशल मीडिया पर फैंस को दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कोरोना के लक्षण बताए हैं, तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर टॉम ने लिखा, हेलो दोस्तों, मैं और मेरी पत्नी रीटा इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं। हम लोगों को थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, हमें कुछ जुखाम जैसा था और बदन में दर्द था। रीटा को कुछ कपकपी हो रही थी और कुछ बुखार भी था। जैसे कि इस समय एहतियात बरतने का वक्त है, हम लोगों ने कोरोना वायरस के लिए टेस्ट कराया जिसमें हमें पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने आगे लिखा, खैर अब हम आगे क्या करें, डॉक्टर्स के लिए नियम कायदे हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। हमारा इलाज किया जाएगा और अकेले में पूरी तरह से निगाह में रखा जाएगा जब तक कि लोगों के लिए ये ठीक नहीं होगा। अभी इस बारे में कुछ और नहीं कहना है, हम अपने बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, हैंक्स। आपको बता दें, टॉम हैंक्स ने ये सारी इन्फॉर्मेशन सर्जिकल ग्लव्स की तस्वीर के साथ शेयर की है। टॉम हैंक्स के इस पोस्ट के बाद पूरी दुनिया में उनके फैंस ने चिंता जाहिर की है। आपको बता दें, दो बार ऑस्कर जीत चुके टॉम हैंक्स ने फॉरेस्ट गंप, सेविंग द प्राइवेट रॉयन, कास्ट अवे, अ ब्यूटीफुल डे इन नेबरहुड और कैप्टन फिलिप जैसी फिल्मों में काम किया है। टॉम ने फेमस बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के साथ फिल्म इन्फर्नो में भी काम किया है। बात उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की करें तो 2020 में हैंक्स बहुत जल्द एरन स्कैनाइडर की कमांडर अर्नेस्ट क्रॉस की ग्रेहाउंड में नजर आएंगे, जो 8 मई को रिलीज होगी। इसके अलावा हैंक्स बहुत जल्द एक फिंच के कैरेक्टर में नजर आएंगे। ये फिल्म एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें फिंच लास्ट सर्वाइविंग मैन होंगे अर्थ पर। इस फिल्म का नाम बायोस है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसके अलावा हैंक्स बहुत जल्द पॉल ग्रीन ग्रास द्वारा डायरेक्टेड फिल्म न्यूज ऑफ द वर्ल्ड में भी नजर आएंगे, जो दिसंबर 25 को रिलीज होगी। इसके बाद अगले साल के लिए भी टॉम हैंक्स के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप है। अब इतने सारे काम के बीच टॉम हैंक्स किस तरह से तबीयत खराब होना कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए एक परेशानी का सबब जरूर बन गया है। फिलहाल बॉलीवुड तो यही कहेगा कि गेट वेल सून, और आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि इस महामारी से अपना बचाव जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।